ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है जी। जो पथरी है जिसके उसके लिए बहुत बेहतरीन ही दवाई। छाए के लिए है, इस पर जो फड़ाता पक्षी भी खाते हैं, बहुत अच्छी छाए है इसकी। आने वाले टाइम के लिए जो इसको तैयार कर रहे हैं, आगे नीम भी मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो चले, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं एक एक करके दिल्ली की जितनी भी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की फ्री नर्सरीज हैं उन सबको मैं कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको फ्री प्लांट्स मिल जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का है एपिसोड नंबर 5, वीडियो नंबर 5, और आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ अलीपुर। जी हाँ दोस्तों, अलीपुर आपके आसपास के एरिया के अगर आप पास पड़ता है, आपके घर के आसपास पड़ता है, तो यहाँ भी आप जरूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ भी आपको फ्री प्लांट्स मिल जाते हैं और यहाँ भी कई तरह की आपको वैरायटी मिल जाती है प्लांट्स की। ज़्यादा जानकारी के लिए जानते हैं शमशेर जी से। शमशेर जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। हाँ सर, आपकी नर्सरी पे आज हमने विजिट किया है और हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कई सारी वैरायटी प्लांट्स की मिल जाती है। तो सर से जानते हैं कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी मिल रही है। सर, आप भी और नर्सरी की तरह 5 से 10 प्लांट दे रहे हैं या ज्यादा भी दे रहे हैं? 5 से 10 ही। 5 से 10 दे रहे हैं। 5 से 10 उसके लिए जैसे और जगह पे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वैसे फिल करवाते हैं? फॉर्म भरते हैं जी। फॉर्म भरते हैं? फॉर्म भरते हैं जी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस फ्रेंड यहाँ भी है, फॉर्म फिल किया जाता है। आपकी नॉर्मल डिटेल जो होती है वो आपको फिल करनी होती है, कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं देना होता और आपको इजिली फिर प्लांट मिल जाते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्लांट अवेलेबल हैं, एक एक करके आपको दिखाना शुरू करते हैं। नर्सरी विजिट करना है तो एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो ऐसी वीडियो रोज हर दिन सुबह 10 बजे मैं अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी सर, कहाँ से शुरू कर रहे हैं आज? ये जी सहजन। सहजन, सहजन से शुरू कर रहे हैं। ओके, इसका भी नहीं फिटता जी, दवाई में काम आता है, बाई वगैरह में, दवाई वगैरह में काम आता है, दवाई वगैरह में काम आता है। और नेक्स्ट प्लांट कौन सा है सर? ये है जी इमली। इमली जी। तो इमली तो फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हैं, तो जिन फ्रेंड्स को इमली का प्लांट चाहिए वो भी आपको देखिए यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। यह जी रिजान जी है, इसका छाया के लिए फायदा होता है, ये बहुत बढ़िया छाया देता है, अच्छी ग्रोथ है इसकी। ओके, और इसकी हाइट भी बड़ी चली जाती है? इसकी हाइट बड़ी जल्दी जाती है। इसको गमले में भी लगा सकते हैं? नहीं, गमले का पेड़ नहीं, जमीन का पेड़ है जी। जमीन का पेड़? जमीन का पेड़। फ्रेंड जिनका गार्डन है, जिनके पास स्पेस है, वो इस प्लांट को ले सकते हैं, जमीन में लगा सकते हैं और हाइट काफी अच्छी चली जाएगी, जैसे कि सर ने आपको बता दिया, और छांव के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत अच्छा है जी। चांदनी है जी, इसको गमले में भी लगा सकते हो, अपने गार्डन में भी लगा सकते हो, पार्क में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो उसको। और इसका छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे व्हाइट कलर के फूल आएंगे, बहुत अच्छी वैरायटी है और काफी हेल्दी प्लांट है फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको हाइट बताना चाहूंगा, 2 से लेकर 3, 3.5 फुट तक के आपको यहाँ पे चांदनी मिल जाएंगी। और फ्लावरिंग देखिए अभी से ही काफ़ी ब्यूटीफुल इस पर है, तो आप अपने जब टेरिस गार्डन पे या गार्डन पे लगाएंगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगने वाला है। पेड़े का पेड़ है जी, बहुत ही हल्दी है, इसका फल जो है दवाई में काम आता है, चूर्ण वगैरह बनता है इसका। ओके, और छाएं भी अच्छी होती है इसकी। ठीक है, और ये जमीन में लगाना सही रहेगा या गमले में भी लगा सकते हैं? ये जमीन में ही लगेगा, गमले में नहीं लगेगा जी, जमीन में लगेगा, जमीन का पेड़। अगेन बताना चाहूंगा, जिनके पास गार्डन है, स्पेस है, वो लोग इस प्लांट को ले सकते हैं और जैसे कि आपको बेनिफिट सर ने बता दिए, ये सभी बेनिफिट आप इसके उठा सकते हैं। ये हार श्रृंगार है, पारिजात जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है हर श्रृंगार का प्लांट और जैसे कि अंकल जी ने बताया, इसको पारिजात भी बोला जाता है और काफ़ी अच्छी इसकी कहानी भी है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे डिटेल में। तो इसके भी काफ़ी प्लांट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये पापड़ी का पौधा छाए के लिए होता है जी, कहीं भी लगा सकते हैं, उसके रोड के साथ में लगाओ, पार्क में लगाओ, कहीं भी लगाओ, बहुत अच्छी वैरायटी है, अच्छी छाए होती है, काफी बड़े बड़े इसके भी पेड़ हो जाएंगे। हाँ, और छाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा, छाए के लिए बहुत। फ्रेंड्स ये भी आप जमीन वगैरह है, आपके पास स्पेस है तो उसके अंदर आप लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है जी टेकोमा, फूल का पेड़ है, गमले में भी लगा सकते हो, जमीन में भी लगा सकते हो, अपने गार्डन में लगा सकते हो, कहीं भी लगा ले उसको। और फ्लावरिंग कैसे रहती है सर इसको? पीले कलर की, पीले कलर की। फ्रेंड्स पीले कलर के इस पे फूल आते हैं
प्लांट का नेम है तिकोमा, जैसे कि आपको सर ने बता दिया है। तो ये भी प्लांट यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे भी आके ले सकते हैं। ये है जी शुगर फ्री। शुगर फ्री जी, ये देखिए फ्रेंड क्या क्या बेनिफिट रहेंगे सर, कैसे यूज़ करना चाहिए? ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है जी। अगर आदमी यकीन करके विश्वास के साथ में खाएगा, उसका बिल्कुल जो शुगर कंट्रोल हो जाता है इससे। ओके, और कैसे लेना चाहिए इसको? इसके सुबह शाम पत्ते खाए जाते हैं, सुबह शाम ठीक है। ये देखिए इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट है जी। तो शुगर पेशेंट के लिए काफी अच्छा है, जैसे कि सर ने आपको बताया, आप इसे भी जरूर रखिए अपने पास, या फिर आप इसे लेकर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं जिसे इसकी जरूरत है, उन्हें आप दे सकते हैं। और हाइट देखिए कितनी अच्छी है सर, इसके साथ में खड़े हैं, लगभग 5-6 फुट तक के भी आपको यहाँ पे प्लांट मिलने वाले हैं। छोटे प्लांट चाहिए तो छोटे ही मिल जाएंगे, और बड़े चाहिए तो बड़े ही मिल जाएंगे। ये पिलखंड है जी, छाए के लिए है, इस पर जो फड़ाता पक्षी भी खाते हैं, बहुत अच्छी छाए है इसकी। और ये भी जमीन के लिए है सर? जमीन के लिए जी। तो फ्रेंड्स ये भी जमीन के लिए है, अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसे जरूर लगाएं, और जैसे कि सर ने बताया काफ़ी अच्छी हाइट हो जाएगी और छाँव के लिए बहुत बेटर रहेगा। और सारे के सारे प्लांट देख रहे हैं आप, हेल्दी प्लांट आपको मिलने वाले हैं। ये कनेर है जी, आदमी गमले में लगाना चाहे गमले में लगाओ, गार्डन में लगानी गार्डन में लगाओ, पार्क में लगानी पार्क में लगाओ। ओके, सभी जगह के लिए बेटर है, सभी जगह लगे बेटर है। ऐसे फूल आने वाले हैं सर, किस कलर में आने वाले हैं? इसमें एक में लाल आएंगे, एक में पीले आएंगे। अच्छा, एक में लाल है, एक में पीले, मतलब दो कलर आपके पास मिलने वाले हैं। दो है। फ्रेंड, जिन फ्रेंड्स को कनेर चाहिए तो यहाँ पे कनेर की देखिए कितनी क्वांटिटी है, भरपूर क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो जब भी आप विजिट करते हैं कनेर यहाँ से जरूर लेके जाएं, दोनों कलर यहाँ पे अवेलेबल है, रेड भी और येलो भी। ये नीम है जी, आने वाले टाइम के लिए जो इसको तैयार कर रहे हैं, आगे नीम भी मिलेगा, नीम के बहुत बढ़िया ही रिजल्ट होते हैं और छाए के लिए बेहतरीन है। फ्रेंड जब भी आप विजिट करें तो नीम भी तब तक रेडी हो जाएगी, तो नीम ले जाना ना भूलें, नीम भी आपके यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। ये नागडोल है जी, दो वैरायटी हमारे पास है, इसको गमले में कहीं भी लगा सकते हो आप। दो वैरायटी मिली है, एक आपको फ्रेंड डार्क ग्रीन मिलेगा, और इधर देखिए वेरीगेटेड भी आपको मिलने वाला है। तो नागदोन भी यहाँ पे काफी क्वांटिटी आपको मिल जाएंगी, तो जब भी आप विजिट करें नागदोन भी लेके जा सकते हैं। पीछे मैं देख रहा हूँ सर चंपा भी अवेलेबल है आपके। चंपा भी है जी हमारे पास। ये देखिए फ्रेंड चंपा भी मिल रहा है और काफी हेल्दी प्लांट मिल रहा है देखिए। और इसके बारे में बताना चाहूँगा, एक प्लांट मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर गया था, जब अभी जो हाइट आप देख रहे हैं इतनी बड़ी हाइट थी, और 4-5 महीने में उसने काफ़ी अच्छी हाइट ले ली है, 4.5-5 फुट का हो चुका है वो, और मैंने 16 इंची के पॉट में उसको लगा रखा है। और इस टाइप की देखिए वाइट कलर की फ्लावरिंग उस पर भी हो रही है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप भी इसको लेके जा सकते हैं, अगर आप पॉट में ही बड़ा प्लांट चाहते हैं तो आपको ईजिली मिलने वाला है। ये पत्थर चट है जी, जो पेशेंट जो पथरी है जिसके उसके लिए बेहतरीन ही दवाई, जो आदमी विश्वास करके खाएगा, 5-4 पत्ते सुबह खाली पेट खाओ और छिक्के पानी पियो। हाँ जी, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं आपको, अगर पत्थरचट चाहिए तो उसकी भी काफी क्वांटिटी यहाँ पे मिलने वाली है, और हाइट देखिए कितनी अच्छी हाइट है, और बहुत ही हेल्दी प्लांट है देख सकते हैं आप। तो इस प्लांट को भी अपने साथ ले जाना ना भूलें, ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। ये सारे प्लांट जो है पिलखंड के हैं जी। सुन, 1.5-2 फुट का पेड़ है, कहीं भी लगाओ बहुत बेहतरीन ही छाई देता है, और इसमें फल भी आता है, उसको पक्षी खाते हैं। अच्छा, फ्रेंड देख सकते हैं इसकी भी काफ़ी क्वांटिटी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको अपने गार्डन में लगाना है या फिर आपके ज़मीन में कहीं भी स्पेस है तो वहाँ पे आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी छाया होगी और बड़े बड़े ट्री बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, वीडियो से नहीं तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और नर्सरियों की तरह यहाँ पे वैरायटी जो है वो थोड़ी कम है, 10-12 तरह के आपको प्लांट दिखाए हैं, कुछ प्लांट अभी भी रेडी हो रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे विजिट करेंगे उस हिसाब से आप प्लांट यहाँ से ले सकते हैं। सर ने आपको बता दिया है कि 5-10 प्लांट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और फॉर्म का आपको प्रोसेस बता दिया है, फॉर्म आपको फिल करना है, अपनी डिटेल डालनी है, और जस्ट यहाँ से आप प्लांट लेके जा सकते हैं। तो जिनके भी घर के आसपास ये नर्सरी है वो प्लीज़ यहाँ पे विजिट करें और प्लांट लेके जाएं, और अपना जो भी टेरेस गार्डन है वहाँ पे उस प्लांट को लगाएं, जो भी प्लांट आपको पसंद है वो प्लांट आप लेके जा सकते हैं। और इस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो धीरे धीरे करके मैं और भी गवर्नमेंट नर्सरी की वीडियो अपने चैनल पे लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल को ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।